Hey guys, welcome to my channel WV Free Math Solution. This is Anjana Giri. We have already done up to question number 7. So today we will start question number 8 of chapter 8, exercise 8.1. Properties of parallel lines and transversal. Okay? तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि एक देखो PQ पैरेलल RS है, यहाँ पे BPQ इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है एंड एंगल BPR इक्वल टू 155 दिया हुआ है, CRS इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है और हमें इस ट्रायंगल का वैल्यू निकालना है. ओके, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देना चाहती हूँ. देखो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से है. इसमें देखो इसका वैल्यू एंगल BPQ, एंगल BPQ यानी इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ BPR यानी इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 155. ओके, CRS इस एंगल का वैल्यू दिया है 70 डिग्री और हमें ये ट्रायंगल का कोनों का माप निकालना है, यानी ये सबके जितने भी एंगल तीनों एंगल का वैल्यू निकालना है. ओके, तो चलो हम लोग बनाते हैं. मैंने पहले ही यहाँ ड्रॉ कर लिया है जिससे कि आप लोग को कम टाइम लगे और आप लोग आसानी से देख सको. यहाँ देखो इस टाइप से ये पी है, बी पी आर और यहाँ हमारा क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे दिया हुआ है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू 40 डिग्री है और BPR देखो BPR यानी कि ये वाला एंगल. ओके, ये टोटल एंगल का वैल्यू कितना दिया है 155 डिग्री. ओके, और CRS यानी CRS ये इसका वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री. ओके, अब हमें इस एंगल ट्रायंगल जो है हमारा, ये ट्रायंगल का हमें वैल्यू निकालना है, यानी ट्रायंगल के जितने भी तीनों एंगल का वैल्यू हमें निकालना है. ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आप लोग देखो कि पहले हमें यहाँ लिखना होगा एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 40 डिग्री. एंगल BPQ इक्वल टू कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम BPQ इक्वल टू 40 डिग्री एंड BPR इक्वल टू दिया हुआ है, BPR इक्वल टू दिया हुआ है 155 डिग्री. ओके, अब हम यहां से QPR पहले हम निकालेंगे. तो आप लोग ध्यान से देखो कि BPR ये QPR को हम कैसे निकालेंगे. तो यदि हम BPR में से यदि हम ये छोटा वाले एंगल को यदि हम माइनस कर देंगे तो हमारा QPR निकल जाएगा. इस टाइप से हमारा ये देखो इस टाइप से हमारा ड्राइंग है, यानी यहाँ है बी पी, ये क्यू है और ये आर है. ठीक है, यदि इसका वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री और ये टोटल का वैल्यू कितना दिया है 155 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ये टोटल में से यदि हम इसको हम माइनस कर देते हैं तो हमारा इतना निकल जाएगा, यानी QPR हम आसानी से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो चलो पहले हम QPR निकालेंगे. QPR निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एंगल QPR. QPR हम निकाल रहे हैं तो हम इसको BPR को उसमें से माइनस करेंगे, यानी BPR माइनस BPQ. ओके, BPQ दैट मीन्स यहाँ पे हम BPR यानी 155 दिया हुआ है, BPR माइनस 40 डिग्री, BPQ इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 115 डिग्री. QPR हमारा निकल गया 115 डिग्री. अब हम निकालेंगे यहाँ से, देखो ये एंगल हमारा निकल गया. ठीक है, अब आप देखो कि ये PQ पैरेलल टू RS है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ पैरेलल RS है. जब दो समानांतर सरल रेखा हो तो अंतःकोण इक्वल होता है, अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इक्वल नहीं
अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ से मैं पहले लिख रही हूँ सिंस पीक्यू, चूंकि पीक्यू पैरेलल टू आरएस, ओके पीक्यू पैरेलल आरएस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सो एंगल QPR प्लस एंगल PRS, ये वाला एंगल PRS इक्वल टू हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अंतःकोणों का युगफल 180 डिग्री होता है जब दो पैरेलल लाइन होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सो एंगल QPR, ये QPR प्लस एंगल PRS, ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि ये अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। सिंस PQ, यहां मैं लिख दे रही हूँ सिंस PQ पैरेलल टू RS, सो इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ओके इस तरह से हमें लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। अब QPR हमें पता है पहले से 115 है, ओके और PRS यहाँ से हम निकाल सकते हैं, एंगल PRS इक्वल टू 180 डिग्री, सो हम PRS इक्वल टू 180 माइनस 115 कर देंगे, ओके QPR हमारा 115 था, तो हम यहां से एंगल PRS निकाल लेंगे, दैट इज 65 डिग्री, ओके PRS हमारा निकल गया। अब PRS निकल गया तो अब हम इस ट्रायंगल पे चलते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल APR, ये ट्रायंगल टोटल APR में अब मैं ये एंगल का वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। APR एंगल APR का, ये ट्रायंगल है टोटल और इस एंगल का, एंगल APR इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन का वैल्यू कितना होता है? 180 होता है, और उसमें से ये जो एंगल है ये इसका इस एंगल का वैल्यू पता है, इस एंगल का वैल्यू पता है, तो 180 ये टोटल है 180 में से यदि हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल का वैल्यू हमें निकल जाएगा, ओके। तो हम यहाँ से APR का वैल्यू हम इसी तरह से निकालेंगे, यानी हम यहाँ कर रहे हैं माइनस 180, इसलिए मैंने यहाँ पे 180 लिया है, ठीक है। 180 माइनस एंगल BPR, ओके। अब ये वैल्यू तो ये तो हम लोग QPR हम लोग निकाले हैं, तो हम यहाँ BPR ऑलरेडी हमारा ये टोटल का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 155, इसलिए हम ये BPR टोटल एक ही बार में इतना दूर का हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 180 माइनस BPR, ओके दैट मीन्स 180 माइनस 155 डिग्री, ओके 155 डिग्री। तो ये तो हमारा ये कितना एंगल निकल गया यहाँ पे? 25 डिग्री। अब देखो हम लोगों ने इस एंगल का यानी कि ये ट्रायंगल का एक एंगल का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, दैट इज 25 डिग्री। अब हम इस एंगल का वैल्यू निकाल रहे हैं, ये एंगल का वैल्यू हमें निकालेंगे कैसे? हम निकालेंगे 180, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से देखोगे ये स्ट्रेट लाइन है, उसमें से यदि ये एंगल और ये एंगल को यदि हम माइनस कर देंगे 180 में से, हम ये दोनों को माइनस कर देते हैं तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो हम माइनस करते हैं एंगल, इसका क्या नाम है? PRA, ARP हम लेंगे, ओके एंगल ARP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ARP, देखो यहाँ पे
जो PRS हम लोगों ने निकाला था और ये CRS, ओके इसमें से हमें माइनस करना होगा, यानी कि ARP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ये PRS, एंगल PRS और ये वाला एंगल CRS, ओके ये प्लस मैंने क्यों किया, क्योंकि ये दोनों को ऐड करके ही इसमें से 180 से हमें माइनस करना होगा, तभी हमें वहां से एंगल ARP हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस PRS का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री, और CRS का पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ था, CRS का वैल्यू कितना है, 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां से हम 180 माइनस यहां 135 हुआ, 180 माइनस 135 दैट इज कितना यहां पे आया, 45 डिग्री आया। ठीक है, ये 45 डिग्री आ गया। अब हम कौन सा वैल्यू निकालेंगे, दो हमारा एंगल का वैल्यू निकल गया, इस एंगल का ये एंगल 25 आया और एंगल ARP हमारा आ गया 45 डिग्री। अब ये वाला हम कैसे निकालेंगे, जब तीनों कोणों का योगफल हम जानते हैं कि 180 होता है, तो 180 में से अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 45 इसका आया है और इसका 25 ऑलरेडी आप लोग जानते हो इसका इतना आया है, तो अब हमें क्या करना होगा, एंगल PAR इक्वल टू हम क्या करेंगे, ट्रायंगल हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है। ओके, तीनों कोणों का मान 180 होता है, उससे हम लोग इसको और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा एंगल A निकल जाएगा। गाइज मेरा यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहां पे निकाल दे रही हूं, यहां मैं यहां निकाल दे रही हूं। ओके, तो मैं यहां पे लिखती हूं एंगल A, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं PAR, एंगल PAR इक्वल टू, देख लो ड्राइंग में ये PAR इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस ये एंगल APR माइनस सॉरी प्लस ARP, एंगल ARP इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 45 आया था और एक आया था 25। ठीक है, ARP हमारा ARP 45 आया था और ये 25 आया था, मैंने उल्टा यहां लिख दिया, फिर से मैं लिख दे रही हूं, यहां 25 प्लस 45। ओके, 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, सो यहां आ गया हमारा 110, यानी कि एंगल APAR इक्वल टू 110 डिग्री। PAR 110 आया, इसका इस एंगल का वैल्यू आया 25 और इस एंगल का वैल्यू आया 45, जो कि पहले हमारा निकला हुआ था। ठीक है, तो गाइज आशा करती हूँ कि मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा सकूं। यदि कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग जरूर बताना मुझे, और प्लीज आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।